नदियों में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जी संगम की मुहिम अब रंग ला रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कानपुर और उन्नाव की 700 टैनरीज को आखिरी चेतावनी दी और अगर गंगा में जहरीला कचरा गिराना बंद नहीं किया तो कारखाने ही बंद कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, एनजीटी ने 6 विभागों से इसे लेकर 29 जनवरी तक जवाब भी मांगा है। गंगा की सफाई के नाम पर सिर्फ कागजी कसरत करना अब सरकारी विभागों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि गंगा में प्रदूषण को लेकर इस बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो सख्ती दिखाई है उसने न केवल टेनरी मालिकों के तोते उड़ा रखे हैं बल्कि जल निगम के अधिकारियों की भी सांसें अटकी हुई हैं। एनजीटी आखिरी चेतावनी देते हुए 6 विभागों से 29 जनवरी तक जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, गंगा में जहरीला पानी गिराने वाले टेनरियों को भी बंद करने की चेतावनी दी है। इसके पहले एनजीटी ने अक्टूबर माह में 15 दिन की मोहलत देते हुए गंगा में औद्योगिक कचरा गिरने से रोकने का आदेश पारित किया था। जिम्मेदार विभागों ने इस आदेश को हवा में उड़ा दिया। इस पर जी संगम ने गंगा की हकीकत दुनिया के सामने रखी। अब जीएनटी ने एक बार फिर एक सप्ताह के अंदर 6 विभागों से रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी ने जिन 6 विभागों को रिपोर्ट देने को कहा है वो विभाग हैं: यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, यूपी जल निगम और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। एनजीटी ने इन विभागों की संयुक्त टीम से गंगा का मुआयना कर 29 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद यूपी जल निगम में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जल निगम पिछली रिपोर्ट में दावा कर चुका है कि औद्योगिक कचरे को शोधित करने के लिए लगाए गए ट्रीटमेंट प्लांट में डिस्चार्ज लेवल 1.9 MLD है, जबकि हकीकत ये है कि सभी टेनरियों के बंद रहने की स्थिति में भी डिस्चार्ज लेवल 8 MLD से कम नहीं है। 10 करोड़ लीटर आधे अधूरे तरीके से ट्रीट हो पाता है, बाकी सारा का सारा शहरी मल जल बगैर किसी उपचार के सीधे गंगा में जाता। यानी साफ है कि जल निगम के ये आंकड़े संयुक्त टीम के निरीक्षण में पकड़े जाएंगे, तो वहीं टेनरियों पर हो रही मेहरबानियों की भी पोल खुल जाएगी। फिलहाल एनजीटी की सख्ती ने इतनी उम्मीद तो जगा ही दी है कि आने वाले दिनों में गंगा की सफाई को लेकर गंभीर पहल होगी, सिर्फ कागजी कसरत नहीं। आरएन अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर। और कानपुर से इस वक्त इस मुद्दे पर तमाम जानकारियां देने के लिए राजेश नाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये सबसे पहले बताइए कि जिस तरह से चेतावनी दी गई है, एक के बाद एक लगातार चेतावनियां दी जाती रही हैं, लेकिन इस बार ये कहा गया कि आखिरी चेतावनी है, अगर नहीं माने तो फिर बंद कर दी जाएंगी टेनरीज को ही। क्या ये समझे जो आखिरी चेतावनी है ये रंग लेकर आ जाएगी? अभी तक जिस तरीके से इस पूरे मामले में हीला हवाली देखने को मिल रहा था वो अब खत्म होगा? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस आखिरी चेतावनी को देखते हुए जो संबंधित विभाग है वो कुछ मोहलत मांगेंगे, क्योंकि 7 दिन में बहुत कुछ होना संभव ही नहीं है। मैं श्रोताओं को बता दूं कि 2 साल पहले यहाँ का ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए एक डीपीआर बनाने की तैयारी की गई थी और चेन्नई की कंपनी को एक काम दिया गया था। चेन्नई कंपनी ने 8 करोड़ रूपये राज्य सरकार से मांगे। जब राज्य सरकार 2 साल में 8 करोड़ रूपये नहीं दे सकी है और डीपीआर भी नहीं बन सका है, तो निश्चित तौर पर अरबों का ट्रीटमेंट प्लांट कैसे बन जाएगा, वो भी 7 दिनों के भीतर? तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको ऐसा कोई निर्देश देना ही पड़ेगा जिसमें कुछ ट्रेनियां सांकेतिक तौर पर होता बंद होगी। 700 ट्रेनियां एकदम से बंद करना व्यवहारिक भी नहीं होगा, संभव नहीं होगा। आदेश आ जाएगा तो उसको अमल में लाना भी इतना संभव नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्टूबर के महीने में भी एनजीटी ने इस तरह का आदेश जब जारी किया था और 15 दिन की मोहलत दी थी तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और जी संगम ने जब इस पर विस्तृत रिपोर्ट दिखाई उसके बाद ट्रिब्यूनल ने फिर से एक बार इनको एक आदेश दिया है और उसमें इनको कहा है कि 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। आज मैंने बात की थी उत्तर प्रदेश जल निगम से। जल निगम ही वो नोडल संस्था है जिसको वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना है, उसको चलाना है। अभी जो ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है उसकी क्षमता से वो आधे से कम भी चल रहा है और पानी को बाईपास करके जो प्रवाह है सीधे गंगा में गिरा दिया जाता है। तो मैं श्रोता बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करूंगा यहाँ पर कि जो 7 दिन है उसमें कोई भी कार्रवाई व्यवहारिक रूप से होना संभव नहीं है। तो देखने वाली बात यह होगी कि एनजीटी इसके आगे क्या कार्रवाई करती है, क्या देखना होगा कि आखिर इस पर क्या रिजल्ट आते हैं, क्योंकि 29 तारीख को दोबारा से इस पर सुनवाई होनी है और उसमें क्या कुछ कहा जाता है। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आइए अब एक नजर डालते हैं कानपुर में गंगा में गिराए जाने वाले कचरे और उसके शोधन की हकीकत पर, जिसके चलते अब एनजीटी को इतना सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा। गंगा सफाई में सबसे बड़ी समस्या आंकड़ों का वो खेल है, जिसके जरिए कागजों पर तो गंगा में प्रदूषण कम हो जाता है लेकिन असल तस्वीर नहीं बदलती। अकेले कानपुर में घरेलू सीवेज और औद्योगिक कचरे की निकासी लगभग 50 करोड़ लीटर की होती है, जबकि ट्रीटमेंट प्लांट की जल शोधन क्षमता सिर्फ 17 करोड़ लीटर की है। इसमें भी फिलहाल सिर्फ 9 करोड़ लीटर का शोधन हो पा रहा है, जबकि गंगा में सीधे गिरने वाला अशोधित पानी और केमिकल कचरा 41 करोड़ लीटर है। प्रेजेंट में नॉर्मली से ज्यादा टेनरी वेस्ट वाटर या औद्योगिक प्रवाह जनरेट हो रहा है, तो जो अधिक जनरेट हो रहा है उसके लिए सीएलआरआई चेन्नई से डीपीआर बनाने के लिए शासन स्तर से आदेश दिया गया है। डीपीआर का काम सीएलआरआई चेन्नई को करना है, तो ये शासन के विचाराधीन है। एनजीटी ने ट्रीटमेंट प्लांट की देखरेख करने वाले यूपी जल निगम को 6 सवालों की सूची भेजी है, जिसमें कानपुर की टेनरियों को कहीं और शिफ्ट करने की योजना को लेकर जवाब मांगा गया है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि शहर के सीवेज वाटर के लिए योजना क्यों नहीं बन रही है। कानपुर में 20 बड़े नालों के जरिए 100 करोड़ लीटर घरेलू सीवेज वाटर हर रोज सीधे गंगा में गिरा दिया जाता है। ये वो नाले हैं जो कागजों में बंद दिखाए गए हैं, लेकिन हकीकत इससे उलट है। औद्योगिक कचरे के निस्तारण के हालात और भी बदतर हैं। टेनरियों से 5 करोड़ लीटर रासायनिक कचरा रोज निकलता है, जिसमें 1 करोड़ लीटर से कम ही शोधित हो पाता है। इसके लिए नया शोधन यंत्र लगाने की योजना है, लेकिन ये फाइलों में दबी हुई है। लगभग 133 इंडस्ट्री ऐसी हैं कि जिस पे मतलब कंसेंट नहीं थी, मतलब बोर्ड की जो वैलिड कंसेंट होती है, तो उनको हम लोगों ने डायरेक्शन जारी कर दिए हैं, सुपारिश जारी किए हैं। सीमा माऊ का ये नाला सरकारी झूठ की कहानी कहता है। ये नाला कागजों में बंद है, तो वहीं नए शोधन संयंत्र के लिए रफ्तार भी बेहद सुस्त है। जाहिर है ऐसे में एनजीटी की सख्ती के बाद उम्मीद जगी है कि आंकड़ों की हेराफेरी कर अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश पर लगाम लगेगी। RN अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर।